Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बहरिया की कमान एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के सपोर्ट नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब सजी। सबुकदोश होने वाले चीफ एडमिरल जकाउल्ला ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का दिफा जान से ज्यादा अजीज है। खित्ते में सिक्योरिटी हालात पेचीदा हैं, चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। वतन अजीज़ के बारे में किसी भी किस्म के नापाक अजायम रखने वालों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान नहायत मजबूत दिफाई कुव्वत हैं, जो अपना भरपूर किरदार अदा करने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती हैं। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने 1981 में बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ के ओहदों पर वसी तजुर्बा है। खिदमात के एतराफ में एडमिरल अब्बासी को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोलकाता दौरा। एकेडमी के मयार को सराहा। लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर वहीद के घर भी आमद। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कयाम-ए-अम तक जारी रहेगी। सिंध सरकार की सब तदबीरें धरी की धरी रह गईं। चाकू मार ना हुआ गिरफ्तार। हमलावर के शुबे में जोहर मोड़ पर मोबाइल मॉल से एक शख्स ज़ेरे हिरासत। रेंजर्स मुश्तबा शख्स को नामालूम मुकाम पर ले गई। कराची जमान टाउन में गैरत के नाम पर भाइयों ने बहन को जख्मी कर दिया। शीरख्वार भांजा जाँ बहक, मुलजिमान मौके से फरार। कराची में कल से 13 अक्टूबर तक गर्मी सब्र आजमाएगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बता दिया, अस्पतालों में अलर्ट जारी। तनख्वाह मांगना जुर्म बन गया। विहाड़ी में बर्फ खाने का मालिक ऑफिस से बाहर। मुलाजिम को धक्का दिया तो उसका बाजू मशीन में आकर कट गया। डीपीओ विहाड़ी की मुतासरा शख्स से मुलाकात। इंसाफ की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की चोटियां काटने की वारदातें। पूरी मकबूजा आबादी में खौफ और हिरास फैल गया। हुर्रियत रहनुमाओं की एहतजाज की कॉल। यासीन मलिक गिरफ्तार। सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक घरों पर नजरबंद। पाकिस्तान में कोपैमाई करने वाली बरतानवी कोपैमा के एजाज में पाकिस्तानी एम्बेसी में तकरीब। विनीसिया ओब्राइन कहती है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 13 अक्टूबर से शुरू होगी।